आपके साथ वंदना। राधा अष्टमी को लेकर पटना इस्कॉन में अलग अलौकिक एक तरह से कहा जाए कि तैयारियां की गई थी। राधा अष्टमी का इंतजार भक्तों को लंबे समय से रहता है। इस वक्त हमारे साथ प्रभु जी है बात करने के लिए। आज क्या कुछ राधा अष्टमी को लेकर? आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, जिससे भगवान श्री कृष्ण का हुआ था आप देखे, और राधा रानी भगवान के छाया हैं, भगवान के ही स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन राधा रानी का महत्व है, भगवान गीता में बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, ज्ञान वैराग्य को देने आते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी ही प्रेम की स्थापना करने के लिए आती है। जो भगवान से प्रेम होता है वही भगवान का दर्शन करता है। तो आज वही दिवस है, अभिषेक किया गया हमारे यहाँ, पूरे दुनिया में आज राधा रानी का जन्म आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है। 56 भोग लगाया गया, आरती हो रही है, हजारों हजार भक्त लोग देखिए नाच रहे गा रहे हैं, उमंग में भगवान कृष्ण से प्रेम को बढ़ा रहे हैं। ये वही दिवस है, हम अपने सत्य को, संकल्प को प्रेम के संकल्प के साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सके। आज के दिन भक्तों को क्या संदेश देंगे? आज राधा रानी का जो जन्मदिन है, दुनिया में एकता और शांति की स्थापना करना है तो राधा रानी के शरण में जाना होगा। और आज सबको प्रसाद दी जाएगी, सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और जीवन में राधा रानी का नाम जपते रहें, सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। जो कृष्ण है वह राधा है, हाँ एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो आपने सुना प्रभु जी का क्या कहना है, पुनः वह तस्वीर दिखा दें, बता दें कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को जो है वह एक तरह से कहा जाए कि इनका प्रेम जो है बस अलौकिक है, और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं तो कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं। यहाँ आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि क्या यहाँ की बने रहिए न्यूज़ कनेक्शन के साथ। धन्यवाद।